कांग्रेस पे क्या असर है या नहीं असर है ये तो कांग्रेस ही जानती है, या उनको संयोजक बनाया जा रहा है या जो भी बनाया जा रहा है। जहाँ तक जनता दल यू का मानना है, जो हमारे अलग अलग पार्टियाँ किन किन क्षेत्रों में चुनाव लड़ेगी ये तय हो जाता है, तब स्वाभाविक रूप से उन पार्टियों द्वारा उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो ये तो सर्वमान्य बात है ना कि ये जितनी जल्दी हो जाता उतना अच्छा होता, जितना विलंब हो रहा है उतना अच्छा नहीं हो रहा है। हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने भी और जनता दल यू शुरू से यह चाहती रही है कि अब सीटों के बंटवारे पर बात हो जाए, और सीटों के बंटवारे पर बात बन गई तो समझिए कि गठबंधन पक्का मजबूत और पुख्ता हो गया। बिहार के सीएम नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर के कवायद शुरू किए थे, लेकिन उन्हें जो है कोई पद नहीं मिलता है। उसके बाद वो काफ़ी नाराज़गी देखने को उनको मिलती है, लेकिन इसी बीच खबर आती है कि सीएम नीतीश कुमार को अब संयोजक बनाया जाएगा। कल जूम मीट पे जो है बैठक है और इंडिया गठबंधन के तमाम नेता उस पे जुड़ेंगे। अब इसी को लेकर के जब बातचीत की गई, जदयू कोटे के मंत्री हैं विजय चौधरी, तो उन्होंने कहा है कि ऑफिशियल खबर अभी तक नहीं है, लेकिन चर्चा हो रही थी कि सीट शेयरिंग पर भी बात होगा। अब उसको लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं विजय चौधरी, सबसे पहले आप वो सुने। एक तो है कि हमारे मुख्यमंत्री जी का जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना, दूसरा है कांग्रेस पार्टी क्या सोचती है, तीसरा है हम लोग क्या चाहते हैं। तो ये तो जब मुख्यमंत्री जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने उसी समय बता दिया गया है कि ये जो हमारे पहले के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे ललन बाबू, उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा कि हमको चुनाव लड़ना है, हम समय नहीं दे पाएंगे, उस हालत में हमको इस पद से मुक्त कर दिया जाए। ये जरूर बात थी कि अगर वो पद छोड़ रहे थे तो सभी कार्यकर्ताओं की इच्छा थी कि मुख्यमंत्री जी स्वयं इस पद को धारित करें, तो वो हुआ, सब लोगों ने मतलब सहर्ष स्वीकार किया है। दूसरी बात है कि इसका कांग्रेस पे क्या असर है या नहीं असर है ये तो कांग्रेस ही जानती है, या उनको संयोजक बनाया जा रहा है या जो भी बनाया जा रहा है। जहाँ तक जनता दल यू का मानना है, जो हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने शुरू से ही स्पष्ट किया है कि उनका संयोजक बनना या प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनना ये उतना मायने नहीं रखता है जितना मायने रखता है कि गठबंधन की आगे की गतिविधियों को प्रभावकारी ढंग से चलाया जाए। और ये बात जब पटना में 23 जून को बैठक हुई थी उसी में स्पष्ट था जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा, कर ले ना भाई, देर तो हो ही रही है, देर कर दी क्या, देर तो लगातार जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। अगर सीटों का बंटवारा तय हो जाए, पहले तो लोग संख्या बांटते हैं, फिर सीटों को चिन्हित किया जाता है, और एक बार अलग अलग सीटें जब चिन्हित हो देश स्तर पर और एक गठबंधन के अंदर, जब अलग अलग पार्टियां किन किन क्षेत्रों में चुनाव लड़ेगी ये तय हो जाता है, तब स्वाभाविक रूप से उन पार्टियों द्वारा उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो ये तो सर्वमान्य बात है ना कि ये जितनी जल्दी हो जाता उतना अच्छा होता, जितना विलंब हो रहा है उतना अच्छा नहीं हो रहा है। सीटों का तालमेल हो जाता है, गठबंधन की अंतिम परिणति सीटों के तालमेल पर ही जाके रुकती है, और उसी दिन से हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने भी और जनता दल यू शुरू से यह चाहती रही है कि अब सीटों के बंटवारे पर बात हो जाए, और सीटों के बंटवारे पर बात बन गई तो समझिए कि गठबंधन पक्का मजबूत और पुख्ता हो गया। इसलिए अभी भी हम समझते हैं कि हमारे नेता और हमारे पार्टी की प्राथमिकता यही है। तो आपने साफ तौर पे सुना उनका कहना है कि देखिए ऑफिशियल खबर अभी तक हम लोगों के पास नहीं है, लेकिन सीएम नीतीश कुमार को लेकर के जो बात कह रहे हैं संयोजन बनाने की बात को अब तक हमें जानकारी नहीं मिली। वहीं सीट शेयरिंग को लेकर के भी कहा है कि अगर बैठक होती है तो सीट शेयरिंग पर भी चर्चा होनी चाहिए। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार।
YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।